नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएसएड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। पटना के राजीव नगर थाना अंतर्गत बंधन बैंक में बंधक बनाकर 8 लाख लूट का मामला बीते दिन हुआ था, जिसमें पटना पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। दो अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसमें पंकज चौधरी पेशेवर अपराधी है जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बता दें कि बीते माह पहले रेलवे के ब्रेक बांध से मिसाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस तलाश में थी। वहीं गौरतलब है कि बंधन बैंक में ही एक वर्ष पूर्व लाखों की लूट की घटना को अंजाम भी दिया गया था। पुलिस इस मामले में भी गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद हुए, बंधक बनाकर 7,58,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। सिटी एसपी ने की पुष्टि, गिरफ्तार अपराधी पंकज चौधरी है संलिप्तता। देर रात अपराधियों की गई गिरफ्तारी, अपराधियों से पैसे बरामदगी के लिए पुलिस कर रही है पूछताछ। ये दिनांक 17/1/19 को राजीव नगर थाना में बंधन बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट में कैश लूट हुआ था। उसमें पटना पुलिस के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस से और डायल 100 के सहयोग से और राजीव नगर, पाटलिपुत्रा और दीघा थानेदार लोगों के हम लोग एक टीम गठित किए थे। इन लोगों के सहयोग से हम लोग दो अभियुक्त लोगों को इसमें पकड़े हैं। इन लोगों का नाम है, एक पंकज चौधरी है, दूसरा राकेश है। दोनों दीघा थाना के बास कोठी के रहने वाले हैं और इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। पहले भी ये लूट के घटना में जेल गया था पंकज चौधरी, जिसका नाम अभी मैं ले रहा हूँ। ये GRP लास्ट ईयर ही GRP में केस दर्ज हुआ था, मिसाइल फ्यूज की चोरी हो गई थी, उसमें भी ये जेल गया था पंकज चौधरी। राकेश भी, इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये सबकी कन्फेस भी किए हैं। इतिहास रहा सर, वर्तमान में इसमें इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से? वर्तमान में ये बंधन बैंक के वो कस्टमर सर्विस पॉइंट में उस दिन 6 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे लूटने के क्रम में, उसमें ये 2 लोग भी शामिल थे। किस तरीके से, क्या था, कुछ बताया पुलिस को? ये लोग बताए हैं तीन बाइक्स में आए थे, वहाँ पे रेकी वेकी भी किए थे। इसमें राकेश जो है ये बंधन बैंक का, इसकी वाइफ जो है वो कस्टमर भी है, यही लाइनर का काम भी किया है, यही ये भी पार्टिसिपेट किया है। पैसा कितना रिकवर? पैसा इसमें ज़्यादा कुछ रिकवर नहीं हुआ है। इसमें कल रात को ये लोग अमरूदी बगीचा राजीव नगर से ये लोग वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के पास अरेस्ट के टाइम में हथियार भी था और 2 गोली भी था। तो ट्रेस कैसे किए सर? ट्रेस हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस से किए हैं, डायल 100 के मदद से किए हैं। क्या कुछ फुटेज के आधार पे चिन्हित किए गए? भाई ये डायल 100 के जो कैमरास है उसके फुटेज के आधार पर। सर कितना पैसा बरामद हुआ है इन लोग के पास? सर पैसा ज़्यादा बरामद नहीं हुआ है, 5,000 बरामद हुआ है। बाकी पैसा खा पी गए इनका सर? बाकी इसमें 4-5 लोग अन्य अभियुक्त लोग भी हैं, उन लोगों को भी हम लोग जल्दी ही अरेस्ट करेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहे एमएसएड न्यूज के साथ। धन्यवाद।